शहर कहते हैं, सारा इलाका कहते हैं ये चोर है। सेठ पैसा मांगे, ये 5 फुट और 8 इंच का आदमी चोर है। मैंने कमा के खाया था, मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ, रामविलास भरी सभा में ये कहेगा अकेला सही है। और ये आदमी झूठ बोल रहे खुद स्वीकार करेगा। जब ये भाई कहाँ जाएंगे, चार गाँव में जाऊंगा और मेरी भी विद्या बताऊंगा और फिर महापंचायत होगी और महापंचायत। पवित्र पावन धरा पर बाबा सुरतागिर जी, बाबा संतोष गिर जी के चरणों में महेंद्रगढ़ नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी छायाकार पत्रकार मित्र बंधुओं, भाइयों, मैं हर गांव-गांव एक दिन रुक रहा हूं और एक सभा कर रहा हूं। तो आज सीधे चलते चलते महेंद्रगढ़ में ये पंचायती धर्मशाला सिनेमा हॉल के पास आज मेरी ये सभा है। भाइयों, जब जर जोरू जमीन की बात आती है तो इंसान को सोचना पड़ता है और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जर जोरू जमीन की बात होती है तो उस पे इंसान कलंकित होता है। अगर उसका जनता को ये पता नहीं चले कि ये काम कैसे हुआ। भाइयों, जर जोरू जमीन की बात आई थी, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कंग का वेश धारण किया था, महा धनुर्धर अर्जुन जी ने वीरनला का रूप धारण किया था, माँ गदाधर भीम ने रसोइये का रूप धारण किया था, नकुल जी ने घुड़सवार संभाली थी, सहदेव जी ने गौशाला संभाली थी और महारानी द्रौपदी को शैलेंद्री बनना पड़ा था। जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी वन में गए थे तो उन्होंने भी भगवा वेश धारण किया था। भाइयों, कैलाश शर्मा के साथ ये सब इस रामविलास शर्मा के कारण हुआ है। रामविलास शर्मा नाम नहीं लोगा आप, पर्सनल बात आप राजनीति अपने केंद्र मंडल जो शहर में खेलते भाई अपनी बात करो, अपनी कोई रामविलास शर्मा देश लोगों को ठगा है ना। अरे एक आज दुकानदार से तेने रामविलास शर्मा का नाम ले लेके अणमित्र भी ले लिए। रामविलास शर्मा को तू देख रहा है क्या? ये किसी को राजनीति का होता मनाता है? तू हर दुकान से तेने मान लिया रामविलास शर्मा, तेने 20 लाख ले लिए रामविलास शर्मा से, ले लिए 50 लाख ले लिए रामविलास शर्मा से ले लिए। अरे हम भी रामविलास शर्मा 30 साल से जुड़े हैं, हम तो कोई शहर के अंदर नू तो कह दो कोई बच्चा के एक रुपया के रामविलास ले लिया है कहीं से भी। खराब कर रहा है तू, ये भगवा है लोग सलाम करते हैं इसको। आपने तेरे को डिबेट देना तेरे घर में अकेला कितनी राजनीति करो। भाइयों, मैं नगर के सामने हर गांव-गांव में गया हूं और नगर के सामने भी मैं अपनी विपदा बताने के लिए आया हूं। ये जो भी कहें मैं इनके नगर में आया हूं, ये कुछ भी कहें मैं इनकी सुनूंगा, लेकिन मेरे को इस राजनीति करो, गांव से करो, राजनीति ढंग से करो, ऊंचे लेवल की राजनीति टुच्ची राजनीति आप ये कोई। इस रामविलास ने तुम किसी से पैसे ले रहे हो, इस रामविलास के बारे में अच्छे बात है, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे को तबाह कर दिया। रामविलास के नाम से पैसे ले, ये आदमी तो आज आए हैं, अब आए हैं 40 साल से मेरे पास। सुनो, रामविलास के जाने ये बातें मैं अब नहीं कह रहा, मैंने पिछले इलेक्शन में भी कही है। आप इलेक्शन 6 फुट 2 इंच का आदमी मुझे और मेरे बच्चों को
लूट के खा गया था, मैंने इलेक्शन में भी बोला है। ये पांच फुट और आठ इंच का आदमी चोर है, सारा शहर कहते हैं, सारा इलाका कहते हैं ये चोर है। सेठ पैसा मांगे, पांच फुट और आठ इंच का आदमी चोर है, वो एक आदमी इसके साथ नहीं है। और पंडित जी माना, अरे पंडित जी की, पंडित जी के आप भी रहे हो, आप अपने ईमान से सोचो, पंडित जी ऐसा कर सकते हैं किसी के आप बहकाव में आ रहे हो मत, ये राजनीतिक है, राजनीतिक है। और ये बंदूक इनके कंधे पे धरकर चलाई जा रही है, इसमें विपक्ष का पूरी पूरी भूमिका है, किसी अपने कोई रोल नहीं है। आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, ऐसे उच्च राजनीति करो, लंबे लेवल के करो, ये तुच्छी राजनीति की किसी के कहने से मत करो आप। अरे किसी का हो आप अपनी बुद्धि भी है, किसी के कहने से मत करो। देखो कुछ लोगों के कहने से सच्चाई छिपे नहीं गई। आप राजनीति, ये मेरे पे कितना ही दबाव दुआ लो, दबाव नहीं है। आप राजनीति करो, ऊंचे लेवल के करो। अगर मैं ये कहने आया था, मैंने कह दिया कि आपके साथ जुड़ इस राम विलास ने मेरे को और मेरे परिवार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और कोई सवाल हो तो मेरे से पूछो, कोर्ट में केस करो, कुछ करो, ऐसा है तो कुछ कोर्ट में कर, केस कोई सबूत है कोर्ट में पेश कर। अब मैं भी 40 साल से हूँ, आज मेरे आज है, तो फिर इस विषय में आप जैसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहे आप? मेरा कोर्ट में केस सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, वो जनता का नुमाइंदा है। जनता, मैं 104 के चार गांवों में जाऊंगा और मेरी विद्या बताऊंगा, और फिर महापंचायत होगी, और महापंचायत होने के बाद फैसला लिया जाएगा, कोर्ट में भी जाया जाएगा, सब चीज होगी। लेकिन मैं एक बार नगर के सामने अपना दुख दर्द, आपका दुख दर्द है, बताने के लिए आया हूँ। और समाज ही हर चीज का फैसला करता है। राम राम। अरे पंडित जी आप भी समर्थक हो, मैं भी समर्थक हूँ। नगर को 20 मिलिया था आपने लोगों, ये 100 करोड़ का नहीं, पंडित जी, पंडित जी ऊंचे लेवल की राजनीति के में अपना पद रखते हैं, ये राजनीति को उनके वर चरित्र को खराब करने के लिए उनकी जो किसी को दिखाव में किसी के भाकाव में आके ऐसी राजनीति करे, टुच्ची राजनीति है, ये राजनीति करे कोई वो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से राजनीति करे, ये ऐसे ये राजनीति का ढंग नहीं है। कैलाश पुजारी जी बागोत के रहने वाले हैं, बागोत अलका को छोड़ के ये स्पेशल महेंद्रगढ़ इनको भेजा जा रहा है, इनका यहाँ कोई और नहीं है, इनके पीछे पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है जो इनको शिखाव में लेके बुलाया जा रहा है। रामविलास शर्मा एक महान ईमानदार शख्सियत, 1971 की राजनीति से अब तक उन पर कोई दाग छवि नहीं है, यहाँ कोई एक रुपये का वो नहीं है। जब ये वहाँ बागोत का कोई 2-5 आदमी तो इसके गाँव से हो, इनके साथ कोई एक आदमी नहीं है, कोई सबूत हो, ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं होता किसी का। इनका लक्ष्य केवल भाईचारा खराब करना है, केवल भाईचारा खराब करने के लिए आए हुए, ये अपने आप नहीं आए, ये भेजे हुए लोग हैं। दादा तेरी डिबेट वाली दौड़ बैठ जा भाई, जा करके घर घर सर्वे किए। अरे पंडित जी गांव के आदमी क्या करते, चलो घर बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, मंदिर में है हमारे दोस्त। देखो ये जो है ना कैलाश शर्मा, इसकी काफी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं जी, ठीक है। मेहनत का कोई दुकानदार जाओ, कपड़े का दुकानदार जाओ, परचूनी का दुकानदार जाओ, जिसके इसने ठगी नहीं कर रखी हो, हर आदमी से इसने ठगी कर करके रामविलास के नाम ले लेके पैसे लिए हैं और वह उड़ाए कहाँ लोगों के, जो स्टेज पे पीछे था ना ये इलेक्शन हो जिनके स्टेज पे घूम रहा था, उन आदमियों से जाके पूछो इसकी क्या छवि है। इसने मेहनत में कोई आदमी नहीं छोड़ रखे जिसके चुना नहीं लगाया और रामविलास के नाम से, अरे रामविलास के नाम से कोई एक रुपया नू तो कह दे कि रामविलास ने किसी का एक रुपया खाया आज तक 25 साल से, तो हम लोग एक आदमी कह दे के ये बोल सकते हैं, ये जो बोल रहे हैं खाया है। अच्छा 40 साल पंडित जी ने ऐसी कोई गोफड़ा जिसमें पैसे नहीं दिए, ऐसा कोई मंदिर है? मंदिर नहीं है, बता नहीं है। बगैर तथ्य बगैर प्रमाण की बात करते हैं हम दुकानदारों से 100 चीज लेते हैं, 100 चीज देते हैं, ये क्या झूठे ब्लेम लगाएंगे? दुकानदार भाई मेरे को आके नहीं कहते, ये सब सिलेक्टेड आदमी है, ये अपना काम कर रहे हैं, मैंने मेरा काम कर दिया, मैं हर मेरे को जितना दबाएंगे उतनी पब्लिक मेरी बात को ज्यादा वो करेगी, ये कुछ भी कर लो, मैंने कमा के खाया।
अरे भाई राम राम, राम से अरे राम राम, राम, राम 40 साल से तो अरे पुजारी जी भी पुजारी एक मिनट पुजारी जी की हेल्प की होगी शर्मा जी, मैं गारंटी कहता हूँ। सुनो ये ऐसा है, ये अपने मिसिज को बच्चे को ये इस बिचारी ने आज तक कहीं मुंह नहीं उगाड़ा है, इसकी काल के कारण ये बिचारी किसी गरीब की बच्ची होगी, ये इसने आते इसको गैल रख कैसे कांप रही है, और ये इसको जबरदस्ती उसको ले जाकर इसके बच्चे को इसको उठा रहा है, ठीक है ना ठीक। अरे तो जाएगा इसको जबरदस्ती काम अभी आप प्रण। मैं इतना कहना चाहती हूँ, माँ इनके भी है, बहन है इनके, और इनसे पूछो उनका बाना ये भरवा देंगे क्या? गलत है। अरे हम है ना सच्चाई के साथ खड़े हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम राम विलास के प्रति खड़े हैं, मेरे पास पैसे लेके गए हैं वो, तुम्हें क्या पता? अरे क्या पता तुम्हें मूर्ख, कुछ भी नहीं पता, मेरी फैक्ट्री कुछ भी नहीं पता, कुछ भी रति भर भी नहीं पता तुम्हें, बे पैसे के वकील, बे पैसे के वकील हो तुम, बिके हुए हो, पहले तुम्हें मंदिर का करने के नहीं ले आया हूँ, ये सब प्लांटेड आदमी भेजे गए, मैंने नगर से जो निवेदन करना था वो कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। हमने भी जो कहना था इसके बारे में बोल दिया। ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है जी, इसने कुछ नहीं किया, इसने खाली एक रामविलास को बदनाम करने के लिए इसने ये बकवास कर रखी है, इसकी कोई फैक्ट्री थी उसमें काग उड़ा करते हम फैक्ट्री में गए, दो दिन पहले इसके दिवाली से दो दिन पहले कोई यहाँ का होने वाला लीडर उसके घर पे गया था, वो इसको 5-4 लाख रुपए देकर आ गया, ये भमंडर रचाने लग गया, दो दिन पहले कोई इसके मुंह के लीडर इनके पास ने कोई 21 करोड़ का सबूत है, टोटली झूठ बोल रहा है, कोई इनके साथ नहीं है, न भागवत का कोई साथ है, वो टोटल इसको रो रहा है ऊपर है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो शर्मा जी को बदनाम करने में लग रहे हैं, इनके पीछे हाथ है जो बंदूक इनके कंधे पर धरकर चलवाई जा रही है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई मैटर नहीं है, इनको जानबूझ के जबरदस्ती यहाँ भेजा जा रहा है और ये आपसी भाईचारा को खराब करने का काम कर रहे हैं, और हम इनका बहिष्कार करते हैं यहाँ से। ओके।